तो भाई $2,000 कैसे कमाए, अभी ये अभी बताते हैं। अब वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Q&A विच आई पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है तुषार परेजा 20। अगर आप लोगों ने जाके चेक नहीं किया तो मैंने ऐसे करके कुछ स्टोरीज डाली थी। ठीक है, ये Q&A मैंने ऐसे बनाया था, काफी सारे मेरे क्वेश्चन आए। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैंने किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो आई एम रियली सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस हो सकते हैं, बट आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। जो मेन मेन चीजें उनको छोटी करके, मतलब जो काफी सारे क्वेश्चन सेम सेम आया उनसे रिलेटेड छोटे करके मैं बता सकूँ, और Q&A वीडियो क्यों आज के दिन। तो भाई Q&A बड़े दिन से नहीं किया है। ठीक है, काफी महीनों से, एक दो महीने हो गए आई थिंक, मैं पीछे देख स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस में, बहुत टाइम से नहीं किया Q&A। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई दो दिन से, मतलब कि इतना वीक वीक सब फील हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है भाई, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लिटरली मैं सो ही रहा हूँ भाई, बस पता नहीं क्या हो रहा है। आज भी मैं कम से कम 12-13-14 घंटे सो लिया हूँ, तो पता नहीं क्या हो रखा है, बट ठीक है। अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं इफ यू सी, तो अभी हम Q&A शूट कर रहे हैं, एक दो घंटे वीडियो आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि कौन से टाइम पे मैं इंडिया की वीडियो डाला करूँ, पहले भी सोच रहा था पर मैं भूल गया था सोचना, तो एक परफेक्ट सा कोई बढ़िया सा टाइम कि सुबह के टाइम डाल दूँ, सुबह 10 AM या फिर 12 PM मतलब नून, या फिर शाम के टाइम, कैसा ठीक है कमेंट करके बताओ। और हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें मैं ना ऐसे बिल्कुल रॉ रखूंगा, ज्यादा एडिटिंग नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि फिर मतलब नहीं बैठ जा रहा मेरे से कंप्यूटर के आगे भी, सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई मैंडी का, ठीक है, मैंडी भाई का क्वेश्चन है। मैंडी भाई पूछ रहे हैं एनी टिप्स हाउ टू स्टार्ट व्लॉगिंग, लव फ्रॉम कनाडा। तो भाई आप लोग व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आई विल टेल यू मैंने कैसे करी। ठीक है, कि मैं ना मतलब 5 साल पहले करी थी नवंबर में, तो मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था उस टाइम, तो मूव व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखता था मैं, और भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में देखता था, तो मैं देखता था कि ये सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना, अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना, मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं भाई, अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं सारा, जिंदगी में ये हो रहा, हमने नया ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना, मूव व्लॉग्स जैसे गाड़ियाँ तो लैम्बोर्गिनी तो नहीं खड़ी कर सकता मैं, 18-19 साल का तो था मैं, 18 का था तब क्या ही कर दूंगा, है ना, 18 साल में मतलब अभी अभी कुछ भी कर सकते हैं लोग, बट मैं बहुत आलसी था, मेरे बस की कुछ नहीं थी, और मेरे को जिंदगी में कुछ अलग सा करना था, तो ये मेरा हमेशा से गोल था कि जिंदगी में मतलब कीड़ा है मेरे अंदर, कुछ अलग करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, मैंने क्या किया, मैंने कैमरा उठाया ना, स्टार्टेड ब्लॉगिंग, आई हैड iPhone 10 उस टाइम में, मेरे पास iPhone 10 था, गंदा सा एक लैपटॉप था, ठीक है, गंदा नहीं अच्छा था, पापा ने दिलाया था मेहनत करके भाई, बहुत अच्छा लैपटॉप था मेरे पास, तो उसके अंदर मैंने iMovie तो नहीं, उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था मूवी मेकर से वीडियो एडिट करना, वो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है ना, विंडोज में आता है, जो जो लोग 90s की था उनको याद होगा, विंडोज मूवी मेकर अभी भी है उसके अंदर, बट वो बहुत ज्यादा ग्लिच मारता है, बहुत ज्यादा हैंग होता है वो, उस पर मैंने स्टार्ट किया था, 5-6 वीडियो एडिट करी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने हाँ मतलब डालता गया, मैं ये देखता था कि कोई भी अगर लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, इसमें मुश्किल क्या है ना, आज की डेट में काफी सारे लोग फेमस भी हो रखे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो अलग क्या कर रहे हैं, मतलब वो चीज हो क्या रही है, तो वो मैंने देख के करना स्टार्ट करने का सोचा। एंड हाँ, ऐसे स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी कोई नीश पकड़ो, आपको जो जिस चीज में इंटरेस्ट है वो पकड़ो, और आप अपना कैमरा उठाओ और बताने लग जाओ लोगों को, और मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, रुक गए थे ना हम तो इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है भाई BS पटेल का, 21 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। 25 दिन में पैसा डबल? तो भाई 21 दिन में आप पैसा डबल नहीं, 21 टाइम्स कर सकते हो, दिन के $100 कमाओ, 21 दिन में कमाओ, 21 टाइम हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में पैसा डबल ट्रिपल करने का तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ गैम्बलिंग है जो आप कर सकते हो, जो मैं बिल्कुल मना करूंगा नहीं करनी, क्योंकि फिर फंस जाते हैं लोग, है ना, मेरे जैसे फंस गए थे, मैंने 2 साल पहले एक वीडियो डाली थी, हाउ आई लॉस्ट $5,000, जिन जिन लोगों को नहीं याद वो जाके चेक करो। तो हाँ, गैम्बलिंग में फंस सकते हो, पैसा डबल के 1,000 गुना भी, 1,00,000 गुना भी हो सकता है, पर वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि जुआ किसी का ना हुआ, और हाँ ये क्या ही बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो, तो मेहनत करो भाई, इस कंट्री में आके सारा कुछ पॉसिबल है, ठीक है, गैम्बलिंग में नहीं घुसना। अगला क्वेश्चन है भाई टूरिक मकरानी का, सॉरी भाई नाम गलत बोला तो, टोकीर मकरानी का, स्टडिंग इन top 10 टॉप यूनिवर्सिटीज वेस्ट और वर्थ ऑफ मनी। तो भाई अगर आप लोगों को वापस इंडिया जाना है आज पढ़ाई करके, तो बड़े यूनिवर्सिटीज पढ़ लो, ठीक है, पैसा वैसा डाल के मस्त सा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनैश हो गई, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी ऑस्ट्रेलिया में, तो बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़ लो, कुछ नहीं होता, आपको इंडिया जाना है तो पढ़ लो, अगर आप लोगों को यहीं रहना है, ठीक है, यू वांट टू गेट सेटल्ड अप, आप लोगों को आप किसी भी यूनिवर्सिटीज पढ़ लो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो अगर उस यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा आके बैठ गया, ठीक है, और मैं ऐसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, और कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बच्चा आके मेरे सामने बैठा है, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, द पर्सन हु हैज डन वेल इन देयर स्टडीज, और जिसके पास एक्सपीरियंस जो अपने मतलब आगे जिसके अंदर, मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा ना, तब मैं थोड़ी चुनूंगा इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई से बड़ा है, वो सब होता है भाई, तो अपना कैपेबिलिटी बढ़ाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी, अपने आप को प्रूव करो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, अच्छे मार्क्स ले गया हो, अपने कनेक्शन बनाओ, लोगों से बात करो यहाँ पे, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, तो हाँ समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है भाई अर्चित गुफाने का, मस्टैंग कब ले रहे हो भाई, देखो भाई मेरे से कंटिन्यूस बोला भी नहीं जा रहा है,
पता नहीं क्या ही हो गया, बीमार हो रखा। तो भाई अभी ना मस्टैंग लेने का थोड़ा सा आइडिया मैंने पॉज कर दिया है, क्योंकि अभी ना यूनिवर्सिटी का ना इनवॉइस आ गया कि भाई $12,000 तुषार भाई फीस भरनी है। तो 12,777 कुछ डॉलर मेरी फीस आई है, वो मेरे को मार्च तक भरनी है, 7 तक। एक बार वो निपट जाए, ठीक है, महीने भर की तो बात है ना, उसको वो निपट जाए, वो सारा जुगाड़ हो जाए, जैसे भी करना है तो वो हो जाए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, आई एम रियली सॉरी, बट लेंगे जरूर भाई, है ना, क्योंकि फीस भी जरूरी है ना। ये थोड़ी गाड़ी खरीद ली फिर वापस चला गया ऑस्ट्रेलिया से, परमानेंट फायदा क्या हो रहा फिर। अगला क्वेश्चन है भाई निमिश 1307 का, कांट फाइंड गुड अफोर्डेबल 3 BHK अपार्टमेंट नियर बर्वुड, कैन यू सजेस्ट। तो भाई आपको अपार्टमेंट कैसे मिलेगा? मैंने तो भाई 20 से 30 अपार्टमेंट देखे थे, ठीक है, घर देखे थे टोटल 20 से 30, मतलब वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाली थी, उसके बाद इंस्पेक्शन करने हम निकले थे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा, ऐसे हाथ पैर मारो हो जाता है भाई। अपनी पे स्लिप स्ट्रॉन्ग रखो, अपने अच्छे रीजंस दो, एजेंट जो होता है ना इधर मेन, उससे बात करो पर्सनली। जैसे अगर कोई इंस्पेक्शन 10:20 पे है तो 10:10 पे पहुंच जाओ वहाँ पे और उससे बात करो कि भाई मेरे ऐसे ऐसे हैं, मेरे हम इतने लोग हैं, हमको घर चाहिए, तो हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई atharva.lin का, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस मेलबर्न में क्या सीन है? तो भाई आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे 6 महीने यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स यू कैन ड्राइव योर कार, उसके बाद यू हैव टू गेट योर सेल्फ, मतलब या उसी के बीच में, उसी के आज जब वो खत्म होने वाला आपका 6 महीने का यहाँ पे जब रह रहे हो आप, तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो हाँ, NSW में तो जब तक आपका स्टूडेंट वीजा था पहले तब तक चला सकते थे, बट वहाँ पे भी ये चीज़ हो गया क्योंकि एक्सीडेंट हो गए थे एक दो खतरनाक से, ठीक है, तो उन्होंने शायद से उन्होंने भी रूल चेंज कर दिया, नॉट टू श्योर फॉर न्यू साउथ वेल्स, बट मेलबर्न में तो यही है जो भाई ने पूछा हो, लाइसेंस 6 महीने चलेगा यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, उसके बाद यू हैव टू गेट योर ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरिंग क्लासेस फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, मोइज बट ने पूछा भाई। तो भाई प्रोज कैसे बताऊँ, प्रोज तो आपका ये होगा कि आप उस सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करोगे, आपका डिफर हो गया तो अब आगे पढ़ोगे, यू हैव टू गिव देम स्ट्रॉन्ग रीजंस। कोविड के टाइम पे हम लोग कर सकते थे इजीली, अब नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है, डिफर। प्लस अगर आप लोग करते हो, ठीक है, गिविंग देम रीजंस, कोई भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, फैमिली में कुछ भी आप, ठीक है, रीजन देते हो, तो उसके कॉन्स क्या है? तो भाई आप लोगों का वीजा तो 2 साल के लगेगा अगर मास्टर्स के लिए आओगे, उसके बाद जब आप लोग मान लो 6 महीने आपने डेफर कर दिया तो आपको 6 महीने ज़्यादा वीजा चाहिए, है ना, अगर 1 साल डेफर कर दिया तो 1 साल ज़्यादा वीजा चाहिए, तो उसकी फीस लगती है, उसका इंश्योरेंस आप लोगों को फिर से देना पड़ता है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड $800-900, ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है प्लस आप लोगों की वीजा फीस लगती है, तो फिर खर्चे हो जाते हैं अगर आपको डेफर करना है, बट हाँ कर सकते हो अगर कोई आपको करने दे रहा है तो यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है भाई अडवेट कौशल का, i30N की वीडियो मस्टैंग से पहले आ जाएगी। तो भाई मेरे को नहीं है, बड़े टाइम से एक भाई से मेरी बात भी हो रखी है, करते हैं उसको, ठीक है, खत्म। i30N की वीडियो बड़े टाइम से नहीं आई और गाड़ी ऐसे हो गई, मतलब मेरा बेचने का मन कर रहा है पर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई भाई, आलसी यूट्यूबर देखा आपने कभी ऐसे ऐसे हो रखा है। अगला क्वेश्चन है भाई Krish31 का, हे तुषार टेल मी सब्सक्राइबर, टेल द सब्सक्राइबर्स अबाउट योर 5-year plan। तो भाई ऐसा लग रहा है इंटरव्यू में बैठ गया, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के बाद अपना टेल मी योर लॉन्ग टर्म गोल। तो भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, बस 5 साल का क्या प्लान है मेरा, 5 साल अभी कितने साल का हूँ, 24 का हूँ ना, 29 का हो जाऊँ, शादी की उम्र हो जाएगी भाई, अब सब्सक्राइबर की बात पूछ रहा हूँ भाई, मेहनत करेंगे पूरा अपना डेली लगे पड़े हैं, ठीक है, 29 दिन हो गए, 29 वीडियोस जा चुकी है चैनल पे, और एक मैंने पीछे वीडियो डिलीट कर दी थी जो वानी शॉपिंग वाली थी, वो फिर से आ जाएगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सीन था, वो मैं उसको वापस से डाल दूंगा, आज या कल में आ जाएगी। तो हाँ 29 वीडियोस जा चुकी हैं चैनल पे, पूरा लगे पड़े हैं, कोशिश चल रही है अपना जनवरी बढ़िया, 25 दिसंबर से मैंने ब्लॉगिंग डेली स्टार्ट करी है। तो हाँ ऐसा तो कुछ नहीं कि 5 साल बाद इतने सब्सक्राइबर चाहिए, जो हम चाहते हैं होता नहीं हमारी जिंदगी में, बट फिर भी भाई अब नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो तो थोड़ा तो हम जिंदगी में कुछ कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई Elvin_ बहुत सारा और जोर्स, वेल ओवर इट्स कंपनी हायर मी फ्रॉम इंडिया। नहीं भाई, आप लोगों को यहाँ का एड्रेस चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे अपनी कोई फोटो आईडी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को यहाँ का फ़ोन नंबर चाहिए, तो उसके बाद जाके आप लोगों का ओवर इट्स का वो बनेगा, ऐसे इंडिया में बैठे बैठे नहीं बनेगा। तो हाँ जब आप यहाँ पे आ जाओगे तभी आप लोग फाइल कर सकते हो, आपको अपना ABN नंबर चाहिए, तो वो सब चीज़ ABN के लिए आपको एड्रेस चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आके होगी, ठीक है, वो सीन। अगला क्वेश्चन है भाई 10 तमकिया हर्ष का, वानी से कैसे मिले और एंड हाउ यू स्टार्टेड योर रिलेशनशिप। तो भाई ये मैं वानी के साथ ही बैठ के बनाऊंगा, ठीक है, इफ यू गाइज वॉन्ट, ठीक है, सब कुछ ये लव स्टोरी पर बहुत सारे क्वेश्चन आया, तो वानी जो साइड में बैठेगी तब उनके साथ साथ बैठ के बताऊंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इट्स अब्दुल्स का, योर अर्निंग स्टिल नाउ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वॉट डिड यू परचेज फ्रॉम फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन सैलरी। तो भाई मैं प्रॉपर अर्निंग तो नहीं बता पाऊंगा, मम्मी बोलती नजर लगती है सारा मत बताया कर। तो हाँ मेरी ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं मैंने क्या 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 जॉब्स करी हैं, ठीक है, समराइज करके। स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलिया में मैंने उबर ईट्स करी, उबर ईट्स के बाद मैंने डोमिनोज किया, डोमिनोज के बाद और उबर ईट्स साथ साथ करता था मैं,
फिर उसके बाद उसके डोमिनोज छोड़ा, फिर मैं ऊबर ईट्स पे ही रहा, फिर मैंने फिर से डोमिनोज किया, फिर मैं डोमिनोज पे गिर गया था, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था। मेरी वीडियो भी आई थी पहले पीछे चैनल पे, ठीक है, चेक कर लेना, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करके वो टाइटल डाला था मैंने, क्योंकि आई बटन मेरा फिर सेट नहीं हो पाता, इधर आएगा, ठीक है, इस बार। फिर उसके बाद मैंने फिर से ऊबर ईट्स करी, फिर मेलबर्न शिफ्ट हो गया था। मेलबर्न आने के बाद मैंने बीपी किया, ब्रिटिश पेट्रोलियम पे मैंने काम किया था, ठीक है, बताया नहीं था मैं कौन से पेट्रोल पंप पे काम करता हूं, तो मैंने ब्रिटिश पेट्रोलियम पे काम किया था। तो उसके बाद फिर वो भी छोड़ दिया था, अभी ऊबर ईट्स चल रही है और यूट्यूब चल रहा है और अभी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो हाँ ये है। और मैंने हाँ अपनी पहली सैलरी से क्या लिया, तो भाई मैंने अपनी पहली सैलरी से क्या लिया था याद ही नहीं भाई। पहली सैलरी तो यहाँ ऊबर पे तो डेली आ जाती थी, है ना, कैश आउट कर लेते हैं हम लोग, बदनाम रखे हैं वहाँ पे, तो ऊबर पे क्या सिस्टम होता है, अगर मैंने आज 200 कमाए तो मैं आज ही कैश आउट कर सकता हूँ। तो तब मैंने क्या लिया था मेरे को भाई याद नहीं, मेरे को बिल्कुल घर का ही ग्रोसरी लेके आऊंगा घर की, और क्या करेंगे पहली सैलरी से यहाँ पे, ठीक है, रह के ना कुछ घर का खाने पीने का लेके आऊंगा पक्का, मेरे को इतना जरूरी याद है, कुछ खतरनाक सा नहीं खरीदा था मैंने। फिर अगला क्वेश्चन है नचिकेत 7 जोशी का, भाई मम्मी पापा और भाई ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉग्स में कब दिखेंगे, लव फ्रॉम लव योर ब्लॉग्स। तो भाई मम्मी पापा को मैं बहुत कन्विंस कर रहा हूँ कि आ जाओ आ जाओ, तो मान गए, मम्मी बोल रही नहीं आना मेरे को यहीं ठीक हूँ, मेरे को नहीं घूमना, मम्मी ऐसी, मैंने कहा फरीदाबाद से आगे जाओगे कभी, तो ऐसे करके ना फिर मम्मी को मैंने बहुत बोल रहा हूँ, तो मान नहीं रहे, बट हाँ कोशिश करेंगे जल्दी बुला लेते। अगला क्वेश्चन है भाई इमो इमाओ मायरन का, ब्रो माय एजेंट सेड ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर विल क्लोज सून। तो भाई आप एजेंट को बोलो अपनी दुकान बंद कर ले तो, अगर उसको ही पता है, हमको तो नहीं पता यहाँ बॉर्डर बंद हो रहे हैं, उसको सब पता है, तो भाई ठीक है फिर दुकान बंद कर लो अपनी। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्स 1701 का, ब्रो हाउ कैन यू अर्न $2000 इन अ वीक प्लीज रिप्लाई। तो भाई $2000 कैसे कमाए, अभी ये अभी बताते हैं, ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाय 7 दिन के 285 कमा के आप लोग 2000 कमा सकते हो भाई। अभी भाई जैसे ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं ना डबल, मतलब अनलिमिटेड आवर्स हमारे को हैं, और स्पेशली हमारी छुट्टियां चल रही होती हैं, ठीक है, दिसंबर से लेके फरवरी तक जब आपका सेमेस्टर शुरू होता है, ठीक है, अगला, और उसके बीच में ब्रेक होता है जो हमारा चल रहा है अभी, हमारी छुट्टियां भी फरवरी के एंड तक। आप $2000 कैसे कमा सकते हो, तो डबल जॉब कर सकते हो, एक आपकी पर पार्ट टाइम जॉब होगी, शाम को कैजुअल जॉब कर ली, तो ऊबर ईट्स कर ली, सुबह आपने 150 की दिहाड़ी मार ली, शाम को 150 की दिहाड़ी मार ली, 300 हो गए, $2000 हो गए, 2100 हो गए वीक के, टैक्स भी कटेगा $400 के करीब, तो 1700 के अराउंड आपके बन जाएंगे, बट हाँ बना सकते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है तुषाल का, व्हेन आर यू ग्रेजुएटिंग, माय कोर्स स्टार्टेड इन 2020 सेप्टेम्बर, कोविड के टाइम में मैंने स्टार्ट किया था, 2 सब्जेक्ट लेके, मिनिमम 4 लेने पड़ते हैं बट 2 ही लिए थे, तो उसकी वजह से मेरा कोर्स अभी खत्म होगा 2024 फरवरी में, हाँ, या 2023 सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, हाँ ऐसे कुछ है, मतलब इस साल हो जाएगा, इस साल के एंड तक कोशिश कर रहे हैं। अभी मम्मी भी बहुत कह रही है क्या कर रहा है, मैं क्या पढ़ने का शौक है, हम पढ़ रहे हैं अभी और आराम, पढ़ने दो हमको। तो ये था आज का क्यू एंड ए सेशन, और अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम रियली सॉरी, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी अभी कवर नहीं करे, बोला नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा कैमरा में, कोई एक्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है, तबीयत ठीक तो नहीं है भाई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लव फ्रॉम मेलबर्न, बाय फ्रॉम इंडिया।